अब हम आज के विषय पर आते हैं। सामने चार प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि बूढ़ा कौन नहीं होता। इसके कई उत्तर हो सकते हैं, लेकिन आज के प्रसंग में इसका उत्तर ये है कि क्रोध कभी बूढ़ा नहीं होता। कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बट नहीं गया। नरक कहाँ है? एक राजा एक सन्यासी के पास जाके पूछता है कि मुझे स्वर्ग और नरक का परिचय दीजिए। तो सन्यासी महाराज कहते हैं आप इतने बड़े राजा हो, आपको नरक के बारे में भी ज्ञान नहीं है। तो राजा को गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकालते हैं और सन्यासी मुस्कुरा के कहता है महाराज यही तो नरक है। और राजा एकदम सकते में आ जाते हैं, ये मैंने क्या किया, सन्यासी पे तलवार तान दी। वो अपनी तलवार को म्यान में डालती हैं, सन्यासी के चरणों में झुकती हैं। तो सन्यासी कहते हैं महाराज यही तो स्वर्ग है, अर्थात जहाँ क्रोध है वहाँ नरक है और जहाँ शांति है, क्षमा है, प्रेम है, वहाँ पे स्वर्ग है। अगला प्रश्न है अछूत कौन है? एक समय था जब इस देश में छुआछूत थी, कुछ जातियों को अछूत माना जाता था, लेकिन महात्मा गांधी और कई अन्य महान लोगों के प्रयास से आज छुआछूत लगभग खत्म है, दबी चिथी है, ओपन नहीं है। लेकिन फिर भी हमने ये सवाल उठाया कि अछूत कौन है। एक बार एक जमादारनी रास्ते में जा रही थी, सामने से एक महात्मा जी आ रहे थे, तो महात्मा जी ने कहा ए जमादारनी एक तरफ हट जा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पल्ला उड़ के मुझे लग जाए। और हुआ ऐसा ही, जैसे ही जमादारनी नज़दीक आई जोर से हवा आई और थी तो दूर, लेकिन फिर भी पल्ला उड़ गया और महाराज सन्यासी को छू गया। तो सन्यासी की तो आंखें लाल हो गई। उसने कहा मैंने कहा था ना दूर रहना, अब तेरे पल्ले ने मुझे छू लिया, मुझे नहाना पड़ेगा। तो जमादारनी हाथ जोड़ के कहती है महाराज नहाना तो मुझे भी पड़ेगा। अब उसका गुस्सा और बढ़ गया, तुझे क्यों नहाना पड़ेगा? उसने कहा आपके गुस्से ने मुझे छू लिया, उसे मैं भी जाके नहाऊंगी। तो वास्तव में अछूत वही है जो 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 गुस्सा करता है। महात्मा बुद्ध ने एक बार एक व्यक्ति को अपनी सभा से निकाल दिया। तो किसी ने आके पूछा महाराज वो बाहर क्यों बैठे हैं, आपकी सभा में क्यों नहीं बैठे? तो महात्मा बुद्ध ने कहा वो अछूत है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा आप तो छुआछूत को मानते ही नहीं, महात्मा बुद्ध जाति प्रथा को नहीं मानते थे। तो उसने कहा हाँ मैं छुआछूत को नहीं मानता, लेकिन आज उसने क्रोध किया है इसलिए वो अछूत हो गया, उसे मैंने सभा में बैठने से मना किया है। तो वास्तव में क्रोधी को ही हम अछूत कहेंगे। और सबसे बड़ा त्याग क्या है? इस दुनिया में बड़े बड़े त्यागी हुए, राज्य छोड़ा, जंगल में चले गए, धन संपत्ति छोड़ी, परिवार छोड़ा, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है। सबसे बड़ा त्याग क्या है? ऋषि दुर्वासा जंगल में गए, लेकिन साथ में किसको ले गए? जब आप क्रोध कोई साथ ले गए तो आपने त्याग क्या किया? वास्तव में सबसे बड़ा त्याग हम घर में रहें, परिवार के बीच में रहें, अपनी जिम्मेवारियाँ भी पूरी करें और फिर भी हमें क्रोध ना आए। घर परिवार में रहते हुए क्रोध का त्याग करना ही सबसे बड़ा त्याग है। इतिहास क्या कहता है क्रोध के बारे में? इतिहास की हम एक घटना की यहाँ चर्चा करेंगे। भारत का सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में सौराष्ट्र में है, उसके ऊपर मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया और 18वीं बार वो जीता। उसकी जीत क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण थे? इतिहास तो ये कहता है कि मोहम्मद गजनवी हमारा शत्रु था, लेकिन आज हम एक गुप्त शत्रु की चर्चा करेंगे जो बहुत बड़ा शत्रु तब भी था और आज भी था। उस छोटी सी कहानी पे गौर कीजिए। ये बात है आज से लगभग 1400 साल पहले की, और पाटन प्रभास क्षेत्र, वहाँ के राजा थे राजा भीमदेव, बहुत वीर प्रजापालक। और उस जमाने में सोमनाथ मंदिर में देवदासी प्रथा थी। देवदासी का मतलब होता है जो माताएं बहनें देवता के ऊपर अर्पित हो जाती हैं, देवता को अपना पति मान लेती हैं। पुरुष लोग जंगल में जाते हैं साधना करने के लिए, महिलाएं जंगल में नहीं जा सकती, इसलिए वो मंदिर में ही समर्पित हो जाती थी और ठाकुर जी या ईश्वर या शिव के लिए जीवन भर सेवा करती थी। तो जो देवदासी हो गई, देवता की दासी हो गई, वो समाज के लिए माँ के समान हो जाती थी,
देवता को उसने अपना पति सर्वस्व मान लिया। ऐसी बहुत सारी देवदासियां थी। आरंभिक काल में ये प्रथा गलत नहीं थी, ये बहुत ही शुद्ध प्रथा थी। नारी पूर्ण पवित्रता के साथ समर्पित होती थी और समाज भी उसे ऊंची नज़र से देखता था। बाद में इसमें कुरीतियां आई तो ये चेंज कर दी गई, समाप्त कर दी गई। तो उन देवदासियों में एक देवदासी थी चोला देवी, जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी और अभी 16-17 साल की ही थी। शिव से उसका इतना अधिक प्रेम था कि वो अपने को पार्वती मानती थी और रात को भी कई बार उठ करके जा करके शिवलिंग से लिपट जाती थी और उसके साथ बहुत प्यार से बातें किया करती थी। जब शिवरात्रि का त्यौहार आया तो उसने पहला नृत्य किया था और राजा भीमदेव वहाँ आए थे और उसकी सुंदरता को देख करके उस पर आकर्षित हो गई। अब ये उस लड़की की गलती नहीं है, उसने तो शिव के लिए नृत्य किया था, लेकिन राजा की आँख उसमें डूब गई और उसके बाद राजा के मन में आया कि मैं इसे अपनी रानी बना लूँ। लेकिन मंदिर का एक पुजारी था जिसका नाम था शिवराशि, उसके मन में ये था कि ये चोला देवी इतनी इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, ईश्वर से इसका इतना प्रेम है, ये दासियों की हेड है, अगर ये मेरे कहे अनुसार चले तो मंदिर की पूरी सत्ता मेरे हाथ में आ जाएगी। तो उसके हृदय में सत्ता लोलुपता आ गई चोला देवी को माध्यम बना करके, और राजा के हृदय में काम विकार प्रस्फुटित हो गया चोला देवी को लेकर के। अब देखिए, एक तरफ है धर्म सत्ता, धर्म सत्ता का उद्देश्य है समाज में धर्म का प्रचार करना, वो त्याग करके समर्पित होता है, उसके बाद उसे सत्ता की क्या जरूरत है। और एक राजा जिसकी कई रानियां हैं और पूरा समाज उसके लिए ओपन है, वो चाहे तो और रानियां कहीं से भी बना सकता है, लेकिन जो नारी मंदिर में चढ़ गई, भगवान को समर्पित हो गई, वो राजा के लिए भी माँ समान हो गई, उसे राजा अपनी पत्नी बनाना चाहता है। एक राजा जो मर्यादा का रक्षक है, वही मर्यादा के ऊपर प्रहार कर रहा है। तो पुजारी ने भी मर्यादा पर प्रहार किया, राजा ने भी मर्यादा पर प्रहार किया और ये दोनों टकरा गए। अब पुजारी को राजा पे क्रोध आया कि ये चोला देवी के पीछे क्यों लगा है, और पुजारी को पता था कि शक्ति राजा की अधिक है, इसलिए पलड़ा राजा की तरफ झुकेगा, तो उसे क्रोध के साथ ईर्ष्या भी हो गई और वो मौके की तलाश करने लगा कि कोई ऐसा मौका आए मैं राजा को नीचा दिखाऊं या राजा को मरवा दूं। और उन्हीं दिनों गजनवी ने आक्रमण कर दिया तो राजा बहुत वीरता से लड़ा। उस समय लड़ने का तरीका ये था कि मंदिर की छत पे खड़े हो गए और वो समुद्र की तरफ से पीछे की तरफ से चढ़ रहे थे तो मंदिर के ऊपर से पत्थर फेंके जाते थे, वो समुद्र में गिर के मर जाते थे, गरम तेल डाला जाता था वो गिर जाते थे। गजनवी ने अपने सैनिकों को मार मार के लाश का ढेर लगा करके ढेर पे खड़े होके भी मंदिर के ऊपर चढ़ने की कोशिश की पिछवाड़े से, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हुआ, राजा बहुत वीर था। आखिर में शिवराशि ने देखा कि ये तो सफलता नहीं मिल रही है, तो वो गुप्त रूप से जाकर के गजनवी से मिला और उसने कहा कि समुद्र की तरफ से एक रास्ता है, अगर मैं आपको बता दूं तो आप उससे अंदर आ जाइए, लेकिन एक शर्त, आप मुझे मत मारना। तो गजनवी ने कहा ठीक है, आपको नहीं मारेंगे। समुद्र की तरफ से रास्ता खुल गया जो कभी नहीं खुला था और टिड्डी दल की तरह से उसके हजारों हजार सैनिक अंदर आए, राजा को मारा, राजा मरा नहीं, बेहोश हो गया, बाकी सबको मारा, मंदिर में भगदड़ मच गई, चोला देवी और राजा को लेकर के कुछ लोग सुरक्षित उनको निकाल ले गए मंदिर से और उसने पूरा मंदिर नष्ट भ्रष्ट कर दिया और उसके बाद शिवराशि की गर्दन भी उड़ा दी, ये कह करके कि जो अपने राजा का वफादार नहीं हुआ वो हमारा वफादार कहाँ से होगा। अब आप देखिए, उस एक घटना के बाद ये देश हजार साल के लिए गुलाम हो गया, क्योंकि वो पहली जीत थी आक्रमणकारियों की जिसके बाद जीत के दरवाजे खुले। हम तो ये कहेंगे, इतिहास तो ये कहता है कि गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन सवाल ये है कि जब वो 17 बार सफल नहीं हुआ, 18वीं बार उसके सफलता के रास्ते किसने खोले, कौन कौन था गजनवी की सफलता के पीछे। नंबर एक लस्ट, नंबर दो सत्ता लोलुपता, नंबर तीन इनसे उपजा हुआ क्रोध, नंबर चार क्रोध के परिणाम स्वरूप आई हुई ईर्ष्या। तो इतिहास से हम सबने कुछ सीखा क्या?
कि आज हम लस्ट के अधीन ना हो, आज हम क्रोध के अधीन ना हो, आज हम ईर्ष्या के अधीन ना हो। आइए, इसमें एक सवाल आया था कि मनुष्य ने इतिहास से क्या सीखा, और इसका उत्तर ये था कि मनुष्य ने इतिहास से ये सीखा कि उसने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। आज भी हम क्रोध के वशीभूत होकर के प्रतिदिन इस देश का करोड़ों रुपया बर्बाद करते हैं। घरों में मारपीट होती है, सड़कों पे मारपीट होती है, हाथ पांव टूट जाते हैं, लोगों को चोटें लगती हैं, उनकी महीनों तक ट्रीटमेंट होती है, सरकारी संपत्ति जल जाती है, घरों की कीमती चीज़ें टूटती फूटती हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, और पुलिस को भी हम बहुत परेशान करते हैं, कोर्ट कचहरी में हमारे केसेस बढ़ते हैं। इन सब के पीछे एक क्रोध है। कहते हैं क्रोध एटम बम से भी अधिक भयानक है, क्योंकि एटम बम भी तब बनता है जब मनुष्य को पहले क्रोध आता है। दुनिया में करोड़पति कम है और क्रोधपति अधिक है। तो इतिहास कहता है इस देश की मिजरीज का मूल कारण इस देश का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। हमारे असली शत्रु ना चीन और ना पाकिस्तान है, असली शत्रु हमारे भीतर हैं, ये आस्तीन के सांप हैं। आस्तीन में जो सांप होता है, जो जब मर्जी डंक मारे। चीन वालों को पहुंचने के लिए घुसपैठ करनी पड़ती है, पाकिस्तान वालों को घुसपैठ में काफ़ी समय लगता है, लेकिन जो आस्तीन में छिपा हुआ सांप है उसको डंक मारने में कितनी देर लगती है? वो तो कभी भी डंक मारता है, सुबह, दोपहर, शाम। इसलिए इतिहास से हमें सीखना है। धर्मशास्त्र क्या कहता है? श्रीमद् भगवत गीता जो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है, जो सारे शास्त्रों की माता है, जनक है, वो क्या कहती है? क्रोधात भवति सम्मोहा। क्रोध से मनुष्य सम्मोहित हो जाता है, उसकी सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, उसकी स्मरण शक्ति, उसकी विवेक शक्ति सब विभ्रमित हो जाती हैं। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और जिसकी श्रेष्ठ स्मृति नष्ट हो गई उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाशात प्रण शक्ति, बुद्धि के नाश से व्यक्ति का संपूर्ण नाश हो जाता है। ये गीता कहती है क्रोध ही मनुष्य के सर्वनाश का कारण है। और फिर आगे बाइबल कहती है अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे वैर करें उनका भला करो, जो तुमको श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसका कुर्ता लेने से भी उसे मत रोक। जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि आज के ज़माने में अगर किसी ने हमारे गाल पे एक थप्पड़ मारा और हमने दूसरा गाल आगे कर दिया तो हमारा क्या हाल होगा? ये शिक्षा उस ज़माने में तो ठीक थी, आज के ज़माने में ठीक नहीं है, लेकिन ये कल भी ठीक थी, आज भी ठीक है और कल भी ठीक रहेगी। शाश्वत सत्य हमेशा सत्य रहते हैं। मान लीजिए एक गाल पर थप्पड़ मारने का अर्थ है किसी ने मेरा थोड़ा सा बुरा कर दिया, मेरे घर के आगे कूड़ा डाल दिया, मेरे बच्चे को पीट दिया, या मुझे कुछ अनर्गल बात बोल दी और मैंने उसका बदला लिया। ईंट का जवाब पत्थर से दिया, पत्थर का जवाब उसने कुल्हाड़े से दिया, मैंने बंदूक से दिया, उसने बम से दिया। रिजल्ट क्या निकला? दोनों बर्बाद। और उसने एक गलती की और मैंने ये सोच लिया, उसने मुझे गाली दी, मैंने ये सोच लिया कि जिसके पास गाली का स्टोर भरा होगा, स्टोर में से गाली ही निकलेगी, उसका मुख गंदा नाला है, मेरा मुख तो गऊ मुख है, मेरे मुख में तो अमृत भरा है, तो मैं तो अमृत ही दूंगा, भले वो गंदे नाले बहते रहें लेकिन मेरे मुख से तो अमृत ही बहेगा। अगर मैं ये सोच करके चुप हो जाता तो फायदा होता। तो ये सत्य कल भी सत्य था, ये सत्य आज भी सत्य है, ये कल भी रहेगा। बदला लेने में किसी का भी फायदा नहीं है। और अगर बदला लेना है तो इस तरह से लीजिए जैसे उस ब्राह्मण पुत्र ने बदला लिया था। एक राजा एक बार एक मंदिर में गया और अपनी मखमली जुत्ती दरवाजे पे उतार करके दुर्गा जी के दर्शन करने अंदर गया। दरवाजे पे द्वारपाल बैठा था,
उस जमाने में द्वारपालों के गले में एक उत्तरीय होता था, जिसे आज की भाषा में अंगोछा बोलते हैं। उसने देखा कि राजा की इस मखमली जुत्ती पे थोड़ी सी धूल लगी है। उसके मन में आया, अपने उत्तरीय से इसको थोड़ा झाड़ देता हूँ। लेकिन जुत्ती पे थोड़ी ओस भी लगी थी, गीली भी थी, उत्तरीय थोड़ा सा मैला भी था। जैसे ही लगाया, उत्तरीय की मिट्टी ओस के साथ जुत्ती पे लग गई। वो घबरा गया, मखमली जुत्ती थोड़ी और गंदी दिखने लगी। राजा दर्शन करके लौटा, जुत्ती देखी थोड़ी मैली और गुस्सा आ गया। पूछा, मेरी जुत्ती को मैला किसने किया? और उसने बड़ी नम्रता से कहा, महाराज मेरे से गलती हो गई, मैं इसे पोंछ रहा था पर मेरा ये कपड़ा ही मैला था, थोड़ा सा मिट्टी लग गई। तो राजा को गुस्सा आया और उसने वो जुत्ती उठा करके उसके सिर में दे मारी। राजा के बहुत सारे सेवक साथ थे, मंदिर के और पुजारी गण थे, इतनों के बीच में जुत्ती सिर में लगी, अपमान महसूस हुआ, थोड़ा खून भी निकला और अंदर बदले की आग जग गई कि मैं राजा से बदला लूँगा। घर आया, बिना खाए पिए लेट गया। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं बोला। माँ बार बार पूछती रही, आखिर उसने बताया, मैं इस राजा को मजा चखा के रहूँगा। माँ ने कहा, मजा चखाने का तरीका तुझे मैं सिखाती हूँ। बेटा तुम ऐसा करो, काशी चले जाओ और जब तक वहाँ से तुम्हें आचार्य की डिग्री ना मिले, मुझे अपना मुख मत दिखाना। अपनी ऊर्जा को पढ़ने में लगाओ, बदला लेने में नहीं। और माँ की आज्ञा मान करके ये नौजवान काशी चला गया। 10 साल इसने शास्त्रों की विद्या सीखी और न केवल आचार्य लेकिन महाआचार्य की डिग्री लेकर के आया। माँ ने आशीर्वाद दिया। उन्हीं दिनों एक खबर आई कि राजा की माँ बीमार है और वो महामृत्युंजय का पाठ कराना चाहती हैं। तो राजा ने मुनादी करवाई कि कोई महामृत्युंजय का पाठ करने वाला मुझे आचार्य चाहिए, विद्वान चाहिए। किसी ने कहा, अभी अभी एक नया आचार्य महाआचार्य की डिग्री लेकर काशी से आया, आप कहें तो उसे बुलवा दें। राजा ने कहा, ठीक है बुलवा दीजिए। राजा तो भूल गया था, पहचान भी भूल गया था, और उस महाआचार्य ने महामृत्युंजय का पाठ किया। राजा की माँ की तबीयत ठीक हुई। राजा ने कहा, दक्षिणा मांगिए। उसने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। उसने कहा, नहीं, राजा के महल से आप खाली हाथ नहीं जा सकते। उसने कहा, आपको इतना ही देने का भाव है तो महाराज कोई पुरानी जुत्ती दे दीजिए आपकी। राजा ने कहा, ये क्या पुरानी जुत्ती? लेकिन जो मांगा जाता है आचार्य के मुख से निकला, वो तो पूरा करना पड़ेगा। राजा ने बिना किसी इंक्वायरी के, ये क्यों मांग रहा है, अपने सेवकों को कहा, मेरी कोई पुरानी जुत्ती ढूंढो। और वो जुत्ती स्टोर में पड़ी मिल गई और वही जुत्ती उसको पकड़ा दी गई। वो जुत्ती लेके अपने घर गया, हर रोज़ उसकी अगरबत्ती लगाता है, उसकी पूजा करता है। तो किसी ने राजा को समाचार दिया कि वो आपकी जुत्तियों की पूजा करता है। राजा ने फिर बुलाया, पूछा, मेरी जुत्ती की पूजा प्रजा में कोई नहीं करता, तुम क्यों करते हो, इतने विद्वान महान? का महाराज, आज मैं जो भी कुछ हूँ इस जुत्ती की बदौलत, ये ना होती तो आज मैं ना होता। राजा ने कहा, जुत्ती की बदौलत? कहाँ महाराज, याद कीजिए, आज से 10 साल पहले आपकी इस जुत्ती ने मेरे सिर में एक घाव कर दिया था और मैं बदले के आग में जला था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बदला लेने की तरकीब सिखाई और इसी की बदौलत तो मैं महाआचार्य बना और आपका मैंने महामृत्युंजय का पाठ पढ़ा, नहीं तो मैं वही गंवार द्वारपाल बना रहता। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने कहा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और अपनी गलती का प्रायश्चित इस तरीके से करता हूँ कि इस राज्य का राजगुरु तुम्हें नियुक्त करता हूँ। ये है बदला लेने की विधि। कभी भी किसी का बदला ना लीजिए, अपने को बदलिए। भगवान कहते हैं, बच्चे खुद को बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। बदला लेने की कड़ी कभी भी खत्म नहीं होती, दादे से शुरू होती और वो कड़ी पोते तक चलती रहती है, लेकिन बदला पूरा नहीं होता। अगला है, कुरान शरीफ क्या कहती है, जो क्रोध को सह लेते हैं, पी जाते हैं और लोगों के अपराध अक्षमा कर देने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए हजरत रसूल ने फरमाया है कि जो कोई गुस्से को रोकेगा अल्लाह ताला उससे अपना दंड रोक देगा। और धम्मपद क्या कहती है, अकोधेन जिने क्रोधम
ऐसा धूम साधुना जिने जिने कदरियम दानेन सच्चेन अलकवादिनम। अर्थात क्रोध को शांति से जीतिए, बुराई को भलाई से जीतिए, कंजूसी को दान से जीतिए और झूठ को सत्य से जीतिए। क्रोध और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मानता है कि क्रोध कुछ पलों का पागलपन। आपने देखा होगी क्रोधी व्यक्ति अपने बाल खींचता है, अपने कपड़े फाड़ लेता है, अपने घर की कीमती चीजों को तोड़ फोड़ देता है, तो ये कुछ पल का पागलपन ही है। और आगरा में ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। जानते हैं आप आगरा को, आगरा की क्या खासियत है, वहाँ ताजमहल भी है लेकिन साथ में, तो ऐसे लोग वहाँ मिलते हैं। क्रोधी का स्वभाव सदा के लिए चिड़चिड़ा हो जाता है। क्रोध से तनाव उत्पन्न होता है, स्वमान कम हो जाता है, फिर डिप्रेशन आ जाता है। क्रोध की अवस्था से विचार बहुत तेज गति से चलते हैं, एक मिनट में 30 के स्थान पर 50 और 60 तक भी पहुंच जाते। नॉर्मल रेशियो है 30 का आम आदमी का, लेकिन जो तपस्वी हैं, मेडिटेटर हैं, सन्यासी हैं, उनका रेशियो तो 3 तक भी आ जाता है। इस विद्यालय की जो चीफ हैं दादी जानकी, सी इज डेल्टा माइंड, डेल्टा लेडी, एक मिनट में केवल 2 या 3 विचार, इसलिए वो 102 की होके भी अभी भी बड़ी एक्टिव है, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऊर्जा हमारे विचारों के माध्यम से लीक होती रहती है, खत्म होती रहती है, बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। लेकिन आज भी उनकी मेमोरी ज्यों की त्यों है। वो 82 साल पहले की इस विद्यालय की स्थापना के समय की कहानियाँ धारा प्रवाह सुनाती हैं और लोगों को पहचानती हैं, सभा में इतनी दूर बैठे व्यक्ति को पहचान लेती हैं, ये वो बैठा है, ये वो बैठा है, ये वो बैठा है, दिखता है बिना चश्मे के। कई बार हमारी जो सुबह की क्लास में मुरली पढ़ते हैं उसको पढ़ सकती हैं 102 की आयु में। अभी अभी रसिया होके आई हैं, लंदन होके आई हैं। तो डेल्टा माइंड की ये करामात है, जितना आप कम सोचेंगे आप तन से और मन से अधिक स्वस्थ रहेंगे। और जब क्रोध होता है तो विचारों की स्पीड कितनी हो जाती है। मान लीजिए आप कुछ योजना बना रहे थे, पीएन पानी लेके आया, आपको गुस्सा आ गया और अब आप वो योजना बना सकेंगे नहीं बना सकेंगे। अगले 1 घंटे के लिए आपका मन उखड़ जाएगा, आप विषय पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। किसी का बीच में फोन आएगा, क्या हालचाल है, आप हालचाल नहीं बताएंगे, आप कहेंगे आज उस पीएन ने ना मूड ही खराब कर दिया, उसने तो पीएन की बात ही नहीं की थी, लेकिन वो पीएन आप पे हावी है, आपका सब कुछ ले गया वो, तो कौन बोना हो गया और कौन ग्रेट हो गया। मैं बोना हो गया जबकि मैं हूं तो अफसर, लेकिन एक छोटे से पीएन ने मुझे बोना बना दिया, मेरी कंसंट्रेशन खराब, मेरे रिलेशन खराब, मेरी शांति खराब। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपनी शांति को संभालता ही नहीं हूँ। पैसे संभालना जानता हूँ, बैंक में डालने हैं कि लॉकर में डालने हैं, लेकिन शांति संभालनी नहीं सीखी। नेक्स्ट स्टेप, 5 मिनट के क्रोध से 2 घंटे की कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है। बार बार उन्हीं विचारों की च्युइंगम करने से, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, लंबे समय तक हम अपने विषय पर एकाग्र नहीं हो पाते। क्रोध का हमारे शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, इम्यूनिटी इज डिस्ट्रॉयड, अंतःस्राव प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ता है, हार्ट अटैक आने की संभावना आम व्यक्ति से 3 गुना ज़्यादा हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और कार्य क्षमता घट जाती है। एक बार जब ये ब्रेन सेल्स नष्ट हो जाती हैं तो दोबारा नहीं बनती है। बाकी हिस्सों की सेल्स दोबारा निर्मित हो सकती हैं, लेकिन ब्रेन सेल्स कुछ अलग प्रकार की होती हैं जो एक बार नष्ट होने के बाद नहीं बनती हैं। इसलिए जब जब क्रोध आए तो हमें ध्यान रखना है कि मेरी ब्रेन सेल्स नष्ट हो रही हैं और मुझे इन्हें नष्ट होने से बचाना है। नॉट ओनली ब्रेन सेल्स, लेकिन हमारे बॉडी के भीतर कुछ बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन्स जैसे हमारा लीवर है, इनके ऊपर क्रोध का बहुत बुरा असर पड़ता है। तो किसी ने तो नुकसान किया होगा 1000-2000 का, लेकिन मैं क्रोध करके अपने उस अंग को नष्ट कर रहा हूँ और वो जब नष्ट हो जाएगा तो मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा और तब मेरा 3 लाख 4 लाख 5 लाख भी लग सकता है। तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि एक छोटी सी बात में मैं इतना क्रोध ना करूँ जो मेरे सॉफ्ट ऑर्गन डैमेज हो जाएँ और मुझे ऑपरेशन कराना पड़े।
क्रोध की शरीर पर और भी बुरे प्रभाव हैं। इससे 80 से ज़्यादा स्नायुओं में तनाव बढ़ता है, जिससे सिर दर्द और कमर दर्द हो सकता है। क्रोध के बाद थकावट का अनुभव होता है, पाचन शक्ति नष्ट हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, क्रोधी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। क्रोध के समय लार पैदा करने वाली ग्रंथियां काम करना बंद कर देती हैं, मुख सूख जाता है और प्यास अधिक लगती है। एक बार एक डैडी ने अपनी जेब की कुछ चीज़ें ऐसी तिपोई पे रखी, उसमें कार की चाबी थी और कुछ ज़रूरी कागजात थे, लेकिन 100 रुपये का नोट भी था और उसका 1.5 साल का बच्चा जो अभी थोड़ा थोड़ा चलना सीखा था तिपोई पकड़ के खड़ा हो गया। उसने ऐसे हाथ मारा, चाबी तो नीचे गिर गई और वो 100 का नोट बच्चे के हाथ में आ गया और उसने उसको फाड़ डाला। डैडी ने देखा नुकसान कर दिया तो गुस्सा आ गया और गुस्से में इतना बड़ा थप्पड़ बच्चे की गाल पे मारा। 1.5 साल का बच्चा, छोटी सी गाल, गाल, कान, गर्दन सब कुछ कवर हो गया उस थप्पड़ में और ये पूरा हिस्सा लाल हो गया। माँ ने देखा बच्चा रोने से चुप ही नहीं हो रहा है तो माँ को डाउट आया कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई, पूरा हिस्सा लाल है। तो माँ ने कहा डैडी को बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। अब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेकिंग की, डॉक्टर ने कहा कान के पर्दे पे बुरा असर पड़ा है और मुझे अभी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन मैं बता देता हूँ इनिशियल स्टेज में आपको मुझे 11,000 रुपये देने पड़ेंगे और बाद में कितना लगेगा मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। अब डैडी ने 11,000 रुपये निकाल करके सर्जन को पकड़ाए। अब आप बताइए बच्चे ने कितना नुकसान किया और डैडी ने, डैडी तो बड़े हैं समझदार हैं, बच्चा तो अनजान है। अनजान ने 100 रुपये का नुकसान किया और समझदार ने केवल 11,000 का नहीं, अभी तो आगे और भी बिल आने वाला है। तो ज़्यादा सजा किसको मिलनी चाहिए? इसलिए कहते हैं क्रोध को कभी क्रोध से खत्म नहीं किया जा सकता, गलती को कभी गलती से नहीं मिटाया जा सकता, कालिख को कभी कालिख लगे हाथों से नहीं पोंछा जा सकता। आपको अपने हाथ धोने पड़ेंगे। किसी की भी गलती को मिटाने के लिए आपको अपने सही स्टैंड पे खड़ा रहना पड़ेगा। आप गलती करके गलती नहीं मिटा सकते हैं। क्रोध एक माचिस की तिल्ली जैसा हमें बना देता है। मानव की कीमत, मानव जीवन कितना अमूल्य, लेकिन जब क्रोध आया तो मेरी कीमत माचिस की तिल्ली जैसी हो गई। माचिस की तिल्ली बाजार में 2 पैसे में मिलती है, उसके सिर में हमारी तरह ही एक सिर होता है और उसका भी हमारी तरह एक धड़ होता है। तो जब यहाँ गर्मी आती है तो आदमी क्या करता है, माचिस की तिल्ली की तरह रगड़ लगती है और आग पैदा होती है। अब माचिस की तिल्ली में तो बुद्धि नहीं है जो उस रगड़ से लगी आग से अपने को सेफ रख सके। मनुष्य के पास तो बुद्धि है, वो उस रगड़ से बच सकता है, लेकिन उस समय अगर वो उस रगड़ से नहीं बचता तो मैन इज इक्वल टू माचिस की तिल्ली, दोनों बराबर हो गए। रगड़ लगी और आग लगी, इधर भी रगड़ लगी और आग लगी, तो क्रोधी आदमी की कीमत कितनी हो गई, माचिस की तिल्ली जितनी। अपने पास एक माचिस की तिल्ली रख लीजिए और याद रखिए कहीं मेरी कीमत इतनी डाउन ना आ जाए। कहते हैं पैसे की डाउन, पैसा कितना भी गिर जाए लेकिन आदमी जितना नहीं गिर सकता। तो क्रोध हमें बिल्कुल डाउन कर देता है। क्रोध एक भूत है। कहते हैं जिसके घर में क्रोध होगा वहाँ पानी के मटके सूख जाएंगे, लेकिन क्रोधी का तो खून भी सूख जाता है। और अगला है, क्रोध एक ऐसा शस्त्र है जो दूसरे को घायल करने से पहले मुझे घायल करता है। तो ऐसे शस्त्र को हम क्यों चलाएं जो मुझे ही घायल करे? कई भाई बहन कहते हैं बहन जी ऐसे तो हमें क्रोध नहीं आता, लेकिन क्या करें, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ बातें, कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कि ना चाहते भी क्रोध आ जाता है। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बिना बात क्रोध करते हैं, बिना कारण के क्रोध करते हैं, और वो लोग जैसे हमने पहले चर्चा की आगरा और कुछ 2-4 जगह और हैं भारत में ऐसी जगह देखने को मिलती हैं।
दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो कारण आने पर क्रोध करते हैं, वो हमारे में से कई मिल जाएंगे। और तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो कारण होने पर भी क्रोध नहीं करते। तो हम ये लेसन क्यों ले रही हैं, हम कौन सी क्वालिटी का बनना चाहते हैं? तीसरी का। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि कारण था। जैसे कोई कहता है कि जब मेरी इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता है तो मुझे गुस्सा आता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि मेरी इच्छा ठीक ही हो, मैं अपनी इच्छा की भी तो चेकिंग करूं। इच्छा तो कोई भी ठीक नहीं होती, इच्छा व्यक्ति को अच्छा नहीं बनने देती। आप किसी पर भी अपनी इच्छा लादोगे, घोड़े को आप चाबुक मारोगे तेज चले, उसकी कैपेसिटी कम है, वो बूढ़ा हो गया है नहीं चल पाता। आप कहते हो मेरी इच्छा अनुसार इसकी स्पीड क्यों नहीं, आपकी इच्छा ही गलत है, आप उसकी कैपेसिटी नहीं देख पा रही हो। इसलिए कई बार हमारी इच्छा ही गलत होती है, इच्छा रखना ही गलत है। और अगर हमें किसी से इच्छा पूरी करवानी है तो पहले मैं उसे इतनी शक्ति दूं जो वो मेरी इच्छा को पूरा कर सके। जब अधीनस्थ कर्मचारियों से काम करवाना हो तो हम सोचते हैं गुस्सा करूंगा तो मेरा रोब दबाव रहेगा, ये मुझे बड़ा भी मानेगा, नम्र बन जाऊंगा तो ये मुझे बड़ा ही नहीं मानेगा। इसलिए भाई ऑफिस में कुछ तो मैं रोब दाब रखूं ताकि ये कर्मचारी डरे और डर करके काम करें। लेकिन डर करके जो लोग काम करते हैं ना, वो केवल सामने काम करते हैं। आपने पीठ मोड़ी और ये रखा, कहेगा अब करवा लो। हमारे एक रवि भाई दिल्ली में हैं, उनका एक कारखाना था, उसमें 100 लोग काम करते थे। जब वो ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़े थे तो बहुत गुस्सैल थे, तो उनके वर्कर जब वो फैक्ट्री में जाते थे ना तो कानाफूसी करते थे, काल आ गया काल। और वो वैसे रोबदाब से, ये क्यों नहीं किया वो नहीं किया, ऐसे झाड़ झुड़ के फिर जब निकल जाते थे तो कहते काल चला गया, काल चला गया, ऐसे बोलते थे। तो जब तक वो सामने होते थे वर्कर जल्दी जल्दी हाथ पांव चलाते थे और उनके जाते ही हाथ पे हाथ रख के बैठते थे, अब हमारा कर लो क्या करोगे। तो वो बताते हैं खुद ही उत्पादन बहुत कम होता था, बेनिफिट बहुत कम होता था। फिर जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आया तो मुझे 2-3 बातें समझ में आई। पहले मुझे घमंड था कि इन्हें खिलाने वाला मैं हूँ, मैं काम से निकाल दूँ ये भूखे मर जाएंगे। बाद में मुझे समझ में आया नहीं, सबको खिलाने वाला भगवान है, मैं नहीं। दूसरा, मुझे लगता था कि मैं इनका बड़ा हूँ, क्रोध करना मेरा हक है, बड़े का हक है। बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं बड़ा नहीं हूँ, सब भाई भाई हैं, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। इस ड्रामा में किसी को ऑफिसर का रोल मिल गया, किसी को वर्कर का रोल मिल गया, इन्हें मेरी ज़रूरत है तो मुझे भी इनकी ज़रूरत है, इनके बिना मेरा भी काम नहीं चल सकता। तो मेरे में नम्रता आ गई। और अब जब मैं अंदर आता हूँ तो वही उन्हीं की बात बदल गई, वो कहते हैं भाई साहब आ गए, भाई साहब आ गए। तो मेरे प्रति लोगों की इमेज क्या है, क्रोध करके मैं बहुत बढ़िया इमेज नहीं बना सकता। इसलिए अधीनस्थ कर्मचारियों से काम कैसे करवाना है, एक साहब से हमने सीखा। एक बार एक ऑफिस में नए नए साहब आए, उन्होंने बेल बजाई और पीएन आया। साहब ने कहा मुझे एक गिलास पानी ला दो। पीएन ने कहा साहब मेरी ड्यूटी पानी लाने की नहीं है। तो साहब ने कहा अच्छा क्या ड्यूटी है तुम्हारी? बोला साहब मेरी ड्यूटी है फाइल पकड़ाना, इधर के उधर करना, स्टोर से फाइल निकाल के ला के देना। तो साहब ने कहा अच्छा, ये बताइए ये ऑफिस यहाँ कितने सालों से है? साहब 30 साल से है, तो यहाँ 30 साल का रिकॉर्ड तो होगा। हाँ साहब है। तो ऐसा करो 30 साल पुरानी फाइल निकाल के ला दो, मुझे देखनी है। तो पीएन गया स्टोर में, 30 साल पुराने पन्ने, पीले पीले जाले लगे हुए, मकड़ियाँ घूम रही, मिट्टी और धूल पड़ी हुई है, और उनका कोई सीक्वेंस भी नहीं है कि 30 साल वाली कहाँ है तो 29 साल वाली कहाँ है। बहुत मेहनत करके धूल मिट्टी में सन गया तब जा करके वो एक फाइल निकाल के लाया। कोई देखता ही नहीं था स्टोर को, और साहब के सामने रख दी। साहब ने कहा शाबाश, तुम बड़े मेहनती हो, बहुत अच्छा किया। अगले दिन मॉर्निंग फिर आए साहब, बेल बजाई, पीएन आया, अच्छा तुम ऐसा करो 25 साल वाली फाइल निकाल के लाओ।
और फिर वही स्टोर, वही मकड़ी के जाले, वही मिट्टी, वही धूल, और फिर वही घंटों की मशक्कत, और फिर वही 25 साल वाली फाइल निकली, लाके रखी। साहब ने कहा शाबाश शाबाश, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनत से काम करते हो। तीसरे दिन सुबह आई, रिंग बजी, पीएन आया और आते ही कहता साहब एक गिलास पानी ला दूं। इसलिए आवश्यक नहीं कि इस गलत हथियार का ही प्रयोग किया जाए, युक्ति युक्ति से सामने वाले को हम चेंज कर सकते हैं। बच्चों को नियंत्रित करने के लिए कई बार हम क्रोध करते हैं, और वास्तव में हम क्रोध नहीं करते, क्रोध की बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। हमारा घर ट्रेनिंग सेंटर है, जाने अनजाने हम कई तरह की ट्रेनिंग उन्हें दे देते हैं, और फिर कहते हैं तुमने सीखा कहाँ से। अरे ट्रेनिंग सेंटर में सब कुछ सीखने को मिल रहा है। एक बार एक महिला थी, हमने एक प्रोग्राम किया था अनलिमिटेड हैप्पीनेस, तो उसमें एक महिला शामिल हुई और अगले दिन आई, कहती है बहन जी कल के प्रोग्राम से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने पूछा क्या फ़ायदा हुआ, तो कहती है मेरी एक बेटी है वो कॉलेज जाती है और मुझे उसे सुबह सुबह उठाने की ड्यूटी है, तो मैं जब उसे सुबह उठाती हूँ, ठंडी ठंडी हवा होती है, हम छत पे सोते हैं और आसपास पेड़ हिलते हैं, वातावरण बड़ा अच्छा होता है, तो वो एक बार आँख खोल के देख लेती है कि मैंने उसे जगाया है, और उसके बाद चादर को ऐसे लपेट लेती है जैसे फेविकोल से चादर उसको चिपका रखी हो, कहीं से भी पकड़ने की मार्जिन ही नहीं होती। मैं हिलाती हूँ तो ऐसी गोल गोल हो जाती है, समझ में नहीं आता है पाँव किधर है, सिर किधर है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ बेटा उठ जा, फिर तू जल्दी मचाएगी, कॉलेज में देरी हो जाएगी, थोड़ी अपनी स्टडी कर ले, मुझे कुछ काम में मदद कर दे, बेटा उठ जा। लेकिन मैंने बताया ना, वो तो उठती ही नहीं थी, और फिर मुझे गुस्सा आता था, मैं चिड़चिड़ाती थी। रोज़ की सुबह मेरी इसी तरह से चिड़चिड़ाहट से शुरू होती थी, मैं पाँव पटकती, चिड़चिड़ाती, गुस्सा करती, किचन में आती, गुस्से में ही नाश्ता तैयार करती, और घंटे बाद वो लड़की उठ के आती और फिर जल्दबाजी करती, मम्मा मम्मा जल्दी जल्दी पानी दो, नाश्ता दो, कॉलेज में लेट हो रही हूँ, फिर मुझे और गुस्सा आता। तो दिन की शुरुआत इसी तरह से होती थी। कल आपने बताया कि कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करना है, आपको अपनी शांति मेंटेन रखनी है, दूसरे को बदलने से पहले आपको खुद को बदलना है। तो मैंने सोचा मैं इस फार्मूले को आज अप्लाई करूंगी अपने पे। मैंने अपनी बेटी को एक बार कहा बेटा उठ जा, उसने आँख खोली, मैं समझ गई कि ये जाग चुकी है, और मैं बिना कुछ कहे बड़ी शांति के साथ किचन में आई। मैंने पहली बार भगवान को याद करके शांति से नाश्ता बनाना चालू किया, मेरे पास बहुत समय था, शांति के कारण मेरी शक्ति भी बढ़ गई थी, इसलिए मैंने बाकी काम जो मैं रोज़ नहीं कर पाती थी वो भी करने की मन में योजना बनाई। और 10 मिनट के बाद बेटी ने पीछे से आके मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे कहती है मम्मा आज आपने मुझे जगाया नहीं। मैंने भी पलट के पीछे मुड़ के देखा, बेटा आज तू बिना जगाए उठ कैसे गई। तो मेरी बेटी ने मुझे इतनी अच्छी बात सुनाई जिसने मेरी आंखें खोल दी। कहती है मम्मा जब आप चिड़चिड़ाती थी, गुस्सा करती थी, चादर खींचने की कोशिश करती थी तो सोने में मज़ा बहुत आता था, आज मैं तो ढूंढती ही रह गई मम्मा किधर गई, और मैंने आँख खोल के देखा मम्मा आसपास नहीं है, ना तो बिस्तर पे मन लगा और ना ही मुझे मज़ा आया, मैं तो आपको ढूंढती ढूंढती नीचे आ गई। तो वो महिला कहती है बहन जी आज तक मैं सोच रही थी कि मैं गुस्सा करके अपनी बेटी को सुधार रही हूँ, पहली बार समझ में आया कि मैंने गुस्सा कर करके अपने को बिगाड़ लिया, बेटी के सुधार का तो नाम ही नहीं है। और जब शांति को अप्लाई किया तो एक मिनट में बेटी बदल गई। तो हम गुस्सा करके किसी को सुधारते नहीं हैं बल्कि अपने को बिगाड़ लेते हैं। इसलिए इस दवा का प्रयोग बंद कर दीजिए, ये दवा आउट ऑफ डेट हो चुकी है, इसकी एक्सपायरी हो गई। अगर डॉक्टर के पास हम जाते हैं और कोई ऐसी दवा दे दे जो काम ना करे तो अगले दिन क्या करते हैं, दवा उठाते हैं जल्दी जल्दी, पैर पटकते जाते हैं, डॉक्टर साहब तुम्हारी दवा किसी काम की नहीं है, इसने मेरी खांसी ठीक नहीं की, ये लो तुम्हारी दवा, आज के बाद मैं तुम्हारी दुकान पे नहीं आऊँगा। आप क्रोध रूपी दवा को उठा करके भी
क्या करो, इसे लौटा दो, इसकी एक्सपायरी हो चुकी है, ये किसी काम की नहीं है, आज के बाद मैं इस दवा का प्रयोग कभी नहीं करूंगा। पक्का? कहीं एक्सपायरी वाली दवा फिर खा ली तो? नीचे दिखाया है, एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। अब डेंजर में और एंगर में कितना अंतर है? सिर्फ सिर्फ डी का अंतर है। ये भी उतना ही करंट मारता है जितना 1000 वोल्ट का ये डेंजर लिखा हुआ करंट का जो होता है वो नुकसान कारक है। जब अहंकार को ठेस लगे, अहंकार रखिए ही मत, ठेस नहीं लगेगा अहंकार किस बात का? मेरे पास जो भी कुछ है वो गॉड गिवन है और वो कभी भी छिन सकता है। ब्यूटी का अहंकार ढल जाएगी, धन का अहंकार पुत्र पुत्रों के हाथों में चला जाएगा, जमीन जायदाद का अहंकार हमारे जाते ही किसी और के नाम हो जाएगी, पुत्र कलत्र का अहंकार सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होई तुलसी सत्संग हरि भजन दुर्लभ है ये दोई। पुत्र डाकू चोर हत्यारा कैदी सबके यहाँ होता है, पुत्र का क्या अभिमान, कलत्र अर्थात पत्नी क्या अभिमान, ये भी डाकू चोर लुटेरे कैदी हत्यारे सबके यहाँ होती। तुलसी सत्संग हरि भजन दुर्लभ है ये दो। एक छोटी सी चिटकी आई है कि हमने जो इवनिंग टाइम है वो 7 से 8:30 कर दिया है, शायद आज कुछ भाई बहनों को नहीं पता था, एक दो को, बाकी तो मेजॉरिटी को मालूम था। ये इसलिए किया कि आप में से कई भाई बहनें बहुत दूर दूर से आते हैं, जाते जाते आपको बहुत देरी हो जाती है, तो इसलिए 7 से 8:30 फिनिश होगा तो आप टाइम पे घर पहुंच पाएंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे अहंकार रखा ही क्यों जाए, जब दूसरों को आगे बढ़ता देख के असंतुष्टि होती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो क्रोध आता है। अब हम दूसरे को रोक तो सकते नहीं, जो कुछ नहीं कर सकता कम से कम ईर्ष्या तो कर ही सकता है, तो इसलिए जिससे ईर्ष्या है मुझसे ये पूछ लें कि तुम्हारे अंदर ये खूबियाँ आई कहाँ से, तो हो सकता है हम भी आगे बढ़ जाएं, अंदर ही अंदर क्रोध करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आपने वो कहानी सुनी है ना, छोटी सी 2 लाइन की, भगवान ने वरदान दिया तो कहा था कि तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगना मिलेगा, तो वो सोच में पड़ गया कि मेरे से दुगना मिलेगा, मकान मांगूंगा तो 2 मिलेंगे, कार मांगूंगा तो उसे 2 मिलेंगी, उसने कहा कि मेरी एक आंख फोड़ दे। तो मैं मेरा नुकसान करके भी दूसरे का नुकसान कराना चाहता हूँ, ऐसी ईर्ष्या नहीं चाहिए। जब कोई अपमान कर दे, निंदा कर दे, झूठा कलंक लगा दे, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन पानी साबुन बिना मन की मैल धुआए। जो निंदा करता है ना उसे अपने आंगन में एक कुटिया डाल दो, भाई तुम यहीं रहो, क्योंकि जो काम साइकोलॉजिस्ट करता है मोटी मोटी फीस लेके, वो निंदक बिना फीस लिए कर देता है, इसलिए धन्यवाद उस निंदक का, फ्री में मेरी सेवा कर रहा है, और वो इतनी सेवा कर रहा है कि वो निंदा करेगा तो मैं ऊंचा चढ़ता चला जाऊंगा। इसलिए अपमान निंदा कलंक इनसे डरना नहीं है। जब अधिकार ना मिले या अन्याय हो जाए, अधिकार कभी भी क्रोध से नहीं मिलते हैं। एक पुत्र ने पिता से कहा मुझे जमीन दे दो, पिता ने कहा बेटा तुम्हारे पास सब कुछ है, घर है, नौकरी है, जमीन का क्या करोगे? नहीं नहीं, गांव वाली जमीन बेच दो, मैं अपना मकान बनाऊंगा। पिता ने कहा मकान है तो सही। नहीं नहीं, मुझे बड़ी कोठी बनानी है, जमीन बेच दो। पिता ने कहा अरे दादा लाई जमीन नहीं बेची जाती है, बुजुर्गों की पूर्वजों की जमीन नहीं बेची जाती है। तो पुत्र ने सोचा कि जब तक ये जिंदा रहेगा मुझे हक मिलने वाला नहीं है,
मुझे कोठी बनानी है। और उसने एक रात अपने पिता का गला, अगले दिन पुलिस आ गई और उसे कोठरी में ले गई। कोठी तो नहीं मिली पर कोठरी तो मिली गई। इसलिए अधिकार कभी भी क्रोध से नहीं मिलते, प्यार, शांति, समझ, धैर्य से अपनी बात दूसरे से मनवा करके हम फिर भी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई झूठ बोल दे, झूठ उसने बोली, क्रोध मैंने किया, दोनों बराबर हो गए। उसने गिलास तोड़ा, मैंने क्रोध किया, उसने भी गलती की, मैंने भी गलती की। हाँ, आगे से वो गिलास तोड़ के मुझे बताएगा नहीं कि मैंने तोड़ा, वो झूठ बोलेगा कि बिल्ली ने छलांग मारी थी इसलिए गिलास टूट गया। तो उसे झूठ बोलने के निमित्त भी मैं बन गया। अगर मैं क्रोध ना करूं तो अगली बार वो मुझे सच बता सकता है। इसलिए गलती पे हम क्रोध ना करें तो वो सुधरेगा। जब शक्तिशाली पर जोर ना चले तो निर्दोष पर अथवा कमजोर पर भड़ास निकालना। अब एक साहब हैं बड़े और उनसे भी बड़े साहब हैं। अब बड़े वाले साहब ने छोटे साहब पे गुस्सा किया, अब वो पलट के जवाब तो नहीं दे सकते ना। अब गुस्से को उठाए उठाए घर आ गए। अब घर में कमजोर कौन नजर आता है? आम तौर पे सब घरों में नहीं पर कई घरों में कौन नजर आता है? पत्नी नजर आती है। तो वो जो उठा के लाए थे ना वहाँ से, वो सारा का सारा उस पर उलेंट दिया। अब पत्नी को कमजोर कौन नजर आता है? उसने भी संभाल के रखा, मौका ढूंढा, उसे बच्चे नजर आए, बच्चे पे उलेंट दिया। बच्चा किस पे उलेंटे? बच्चे को डोगी नजर आया और उसने डोगी पे उलेंट दिया। और डोगी किस पे उलेंटे? डोगी ने अपने साहब को ही जाके काट लिया। इसलिए सर्कुलेट ना होने दें। अगर कोई बात हो भी गई तो उसको वहीं पे फिनिश करें। जब नुकसान हो जाए, जो बना है वो एक दिन बिगड़ेगा अवश्य। शरीर बना है, बिगड़ रहा है, दुनिया बनी है, बिगड़ती जा रही है, चीज़ें बनी हैं, टूटेंगी, नहीं तो फैक्ट्री कैसे चलेंगी। इसलिए चीज़ बिगड़ी, आप अपनी मन की स्थिति तो मत बिगाड़िए। एक नुकसान हुआ, दूसरा नुकसान तो मत कीजिए। चीज़ बिगड़ी, मन को तो संभाल के रखिए। जब राय ना मानी जाए, इस देश में बड़े बड़े राय बहादुर हुए जिन्हें राय देने की मोटी मोटी फीस मिलती थी, फ्री में अपनी राय नहीं देते थे। आप भी राय बहादुर हैं। अगर आपकी राय सामने वाला नहीं लेता है तो अपनी जेब में वापस डाल लीजिए, कोई और खरीदार आएगा और महंगे दामों आपकी राय लेगा। आप अपनी राय को यूं ही क्यों फेंक रही हैं जिसको कीमत ही नहीं है? इसलिए ना ले तो वापस जेब में डाल लो। किसी के द्वारा दखल अंदाजी किए जाने पे कोई हमारे बीच में बोल पड़ा, हमें गुस्सा आया, कोई बात नहीं है, उसे प्यार से भी तो समझा सकते हैं कि आपका बीच में बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, आप मेरे बीच में मत बोलिए। एक बार समझा सकते हैं, दो बार समझा सकते हैं। किसी चीज़ को मैनेज करने का एकमात्र तरीका क्रोध नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके। जब कोई हमसे ईर्ष्या करे उसके लिए भगवान से दुआ करो, प्रभु इसे भी कुछ दे दो ताकि ये मेरे से ईर्ष्या करना छोड़ दे। किसी के आलस्य करने पर आलसी को कभी भी क्रोध से नहीं उठाया जा सकता। आलसी के लिए दवा है उमंग, उत्साह। उसे कुछ आनंददाई, उमंगदाई बातें सुनाइए ताकि वो बिस्तर छोड़ के खड़ा हो जाए। किसी के बहस करने पर चुप हो जाइए, एक चुप्पी सो को हराए। बहस का उत्तर बहस से मत दीजिए, बहस का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। एक बार एक नास्तिक और एक पादरी ने आपस में बहस करनी शुरू की। एक घंटे की बहस के बाद पादरी नास्तिक बन गया और नास्तिक ने पादरी बनने की ठान ली। इसलिए बहस निरर्थक होती है। किसी के जिद करने पर, जिद्दी कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। और जिद को आप क्रोध से नहीं बदल सकते, जिद के लिए भी समझ चाहिए। जब हम किसी को प्यार से समझाएंगे, उसके अच्छे बुरे पहलू समझाएंगे तो वो अपनी जिद को छोड़ेगा, क्रोध से नहीं। जब सामने वाला क्रोध करे तो उसके सामने से हट जाइए, क्योंकि क्रोध एक भूत है और ये संक्रामक रोग की तरह से है। किसी के आंखें आई हुई हों
और हम उसकी आंखों में देख लें तो क्या होता है, हमारी भी आंखें आ जाती हैं। अगर आप क्रोधी के सामने थोड़ी देर भी खड़े रहे तो ये संक्रामक रोग लग जाता है, हमें भी क्रोध आ जाता है। इसलिए सामने से हट जाइए, भूत वहाँ से निकल करके इधर आ जाता है। ये मत समझिए कि मैं सामने से हट गया तो ये कमजोरी है, ये कमजोरी नहीं है, ये सेफ्टी है। सामने से गोली आए तो क्या हम हटते नहीं हैं? तो क्रोध तो गोली और बम से भी भयंकर है, सामने से हटने में ही फायदा है। अपनी कमजोरी और कड़े संस्कार पे भी क्रोध आता है। मैं गलती करता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, मैं बार बार ये गलती क्यों करता हूँ, लेकिन अपने पर भी गुस्सा नहीं करना। गीता कहती है आत्मघाती महापापी, जो अपनी आत्मा पे प्रहार करता है उसको भी पाप लगता है, जो अपनी आत्मा पे खुद क्रोध करता है वो भी दोषी है। केवल दूसरे पे क्रोध करना ही दोष नहीं है, खुद को सताना भी एक बहुत बड़ा दोष है। इसलिए अपने को भी प्यार से समझाना है, बार बार समझाना है, अपने ऊपर बार बार अटेंशन देना है, तुम्हारी वो आदत चेंज हो जाएगी। गाड़ी लेट हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, ये इसलिए कि हम कहते हैं क्या करें, भगवान को याद कैसे करें, मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो अब गाड़ी लेट हो गई तो फुर्सत आई ना, तो थोड़ा भगवान को याद कर लीजिए, ओम शांति का जाप कर लीजिए। और ट्रैफिक भी इसीलिए जाम हुआ क्योंकि आपको फुर्सत नहीं मिलती ना, तो थोड़ा तो भीतर जाकर के अंतर अवलोकन कर लीजिए। इसलिए गुस्सा मत कीजिए कि ये कैसे लोग हैं, ये रेलवे वाले कैसे लोग हैं, ये फलाने कैसे लोग हैं। थोड़ा आराम मिला है उसका फायदा उठाई। भोजन का मनुष्य के मन पर बहुत असर है। राजसिक तामसिक आहार करने पर भी क्रोध आता है। इसलिए कहा जाता है कि भोजन जहाँ बनता है उस जगह को हम चौका बोलते हैं, और चौके के चार पहलू हैं। पहला पहलू है भोजन की कमाई सात्विक हो, दूसरा पहलू है भोजन का जो पदार्थ है वो सात्विक हो, उत्तेजना देने वाला तामसिक भोजन मांस अंडा या प्याज और लहसुन भी इसी कैटेगरी में है, ये हमारे खून को उबाल देते हैं। ये जैसा अन्न होगा वैसा मन पे असर पड़ेगा। इसलिए पदार्थ भी सात्विक हो, जो देवी देवताओं को भोग लगता है वो हो। और तीसरा पहलू है भोजन बनाने वाला व्यक्ति बहुत ही स्वच्छता के साथ, स्वच्छ कपड़े और स्वच्छ मन के साथ भोजन बनाए, क्योंकि जब आप आग और पानी के संपर्क में किसी भी खाद्य को ले आते हैं तो वो हमारे मन के वाइब्रेशन को पकड़ता है। सूखा अन्न पड़ा है उसके ऊपर असर नहीं आता, आग और पानी का संपर्क आते ही हमारे भाव उसमें मिक्स होने चालू हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि क्रोध में भोजन बनाएगा तो खाने वाला क्रोध करेगा, रोते रोते भोजन बनाएगा तो खाने वाला रोएगा, ईर्ष्या में भोजन बनाएगा तो खाने वाले ईर्ष्यालु हो जाएंगे। तो भोजन कैसे बनाना चाहिए? शुद्ध सात्विक, मुस्कान के साथ, प्यार के साथ, उमंग के साथ, शुद्ध भावों के साथ। और चौथा पहलू है खाने वाला व्यक्ति बहुत प्यार से भगवान को भोग लगा करके, भगवान का प्रसाद मान करके, अन्नदाता की सुंदर देन मान करके उसे प्यार से स्वीकार करेगा। ये चार पहलू अगर हमारे ठीक है तो हम क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है हमारा, इसके बाद जो हमारा ज्ञान शिविर होगा उसमें बहने आपको ये समझाएंगी। भोजन को नकारात्मक भावों के साथ पकाने और खाने पे इसकी चर्चा हमने कर ली। नींद की कमी, थकावट और अतिशय भूख लगने पर। नींद की कमी क्यों होती है? क्योंकि हम देरी से आते हैं, या तो टीवी सीरियल देखते हैं, या दोस्तों से बैठ के बातें करते हैं, हम समय पर नहीं सोते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं होती और इसलिए अंदर बेचैनी होती है। थकावट भी क्यों होती है? क्योंकि इस शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा काम हम लेते हैं, शरीर उतना ही अमूल्य है, बल्कि धन से भी अधिक अमूल्य है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो धन माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये भारतीय संस्कृति के सुख गिनाए गए हैं, उसमें पहला सुख है निरोगी काया। तो
निरोगी काया रखने के लिए आपको इस काया को थोड़ा आराम तो देना पड़ेगा। आप थक गए, आपसे काम नहीं होता और आप चिड़चिड़ा रही हैं, नौकरों पे क्रोध कर रही हैं, घर के परिवार के लोगों पे क्रोध कर रही हैं। वैसे आप कहते हैं कि मेरे घर के लोग मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। मेरे जैसा कोई कह दे आप अपनी माता बहन भाई पुत्र को एक दिन मेरे पास छोड़ दो, आप कहेंगे अरे बहन जी ये कोई फालतू है, कैसे छोड़ दूँ। तो आप क्रोध कर करके उसकी पल्पिटेशन बढ़ा रही हैं, उसकी शांति भंग कर रही हैं, तब आपका प्यार कहाँ चला जाता है। ये मुझे प्राणों से भी प्रिय है, तो प्राणों से भी प्रिय की पल्पिटेशन बढ़ाई जाती है क्या? उसका चैन छीना जाता है क्या? उसकी नींद उड़ाई जाती है क्या? प्यार का सिंबल ये है कि मैं उसे शांति से जीने दूँ, शांति से रहने दूँ। लेकिन मुझे क्रोध बाहर आता और सारा मैं उलेंडता हूँ उन प्राण प्रिय के ऊपर। ये कैसा प्रेम है भाई, ये कैसी परिभाषा है प्रेम की? बाहर का क्रोध भी उस पर, चिड़चिड़ापन भी उस पर। ऐसे प्रेम का प्रदर्शन ना करें। नाम प्रेम का, लेबल प्रेम का, और अंदर क्या भरा हुआ है। तो शरीर को समय पर आराम दें ताकि हमें क्रोध ना आए, और बहुत भूख लगने पर हमने इतनी देरी क्यों की, हम समय पर क्यों नहीं आए भोजन करने के लिए, टिफिन पड़ा है हम खाते नहीं हैं। मेरे जैसा पूछता है भाई साहब इतनी मेहनत क्यों करते हो बिजनेस में? अरे बहन जी पापी पेट के लिए, लेकिन पेट में डालने की तो फुर्सत ही नहीं है, टिफिन ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, कहीं आप पेटियों के लिए तो नहीं कर रही हैं? तो प्यार से समय पर पेट में भी डालिए। अब है क्रोध का निवारण। क्रोध आने पर कम से कम 20 सेकंड कुछ भी ना बोलें, तुरंत प्रतिक्रिया ना करें। क्रोध आने पर 20 बार ओम शांति बोलें। इजी है ना, बोल सकते हैं ना? जब हम ओम शब्द बोलते हैं तो इस शब्द की जो ध्वनि है वो आत्मा तक जाती है। लोग कहते हैं कपाल में जाती है, लोग इसे कपाल बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये आत्मा तक जाती है। देखिए आप बोलिए ओम, आपकी जो ध्वनि की दिशा है वो इधर है, बाकी शब्द आप बोलते हैं तो वो बाहर निकलते हैं। आपने बोला कंप्यूटर, बाहर आवाज़ गई, माइक आवाज़ बाहर गई, गिलास आवाज़ बाहर गई। आपने बोला ओम तो ये ध्वनि इधर गई। तो जब आप ओम बोलेंगे ना तो आत्म स्वरूप में टिकना इजी हो जाएगा। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा धर्म है, मैं शांति का एम्बोडीमेंट हूँ, शांति मेरी पूंजी है, शांति मेरा स्वरूप है। ये बातें ऑटोमेटिक आपके मन में चिंतन में आएंगी और आपको शांति मिल जाएगी। तो कितनी बार ओम शांति बोलेंगे? केवल 20 बार नहीं, आप ज्यादा भी बोल सकते हैं। एक बहन ने, समय हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा संकोच कर रही हूँ, कहानी सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? सुना दूं। एक हमारी जो सुबह सुबह मुरली होती है तो उसमें एक बार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने बोला कि बच्चे रास्ते में आपको जो भी मिले ना उसे आपको ओम शांति जरूर बोलना है। तो एक भाई साहब मुरली सुन के आए, सर्दी के दिन थे, सड़कें खाली थी, गाड़ी से बाहर झाँक झाँक के देख रही हैं, सड़क पे कोई मिल ही नहीं रहा किसे ओम शांति बोलूं। घर के सामने एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी तो लगा कि इसको बोलता हूँ, गाड़ी से बाहर मुँह निकाला और बोला बहन जी ओम शांति, तो वो डर गई। साहब पता नहीं क्या कह रही हैं, झाड़ू छोड़ के दौड़ी दौड़ी आई, साहब क्या बोला, साहब क्या बोला? बोला ओम शांति, तुम भी बोलो ओम शांति। तो उसने भी बोला ओम शांति। तो साहब ने कहा देखो तुम 8 घंटा झाड़ू लगाती हो, तुम्हारा मन तो खाली रहता है, तो तुम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ऐसे बोलती जाओ, तुम्हें बहुत ताकत आएगी, भगवान तुम्हारी बहुत मदद करेंगे, मन तुम्हारा बहुत शुद्ध हो जाएगा। तो उसने ये मंत्र पकड़ लिया, झाड़ू लगाती जाए ओम शांति बोलती जाए। गरीब महिला थी, पति शराबी था, दिवाली के दिन थे, तनख्वाह भी मिली, बोनस भी मिला, और हर बार जब ऐसा होता था तो घर में पति सामने खड़ा मिलता था, हाथ पकड़ के मारपीट करता था, ओढ़नी में बंधा हुआ पैसा ले जाके शराब पी लेता था। और ये महिला दिवाली के दिन भी रोती रहती थी, ना घर में दिया
ना कोई मिठाई, भूखी सो जाती थी। अब बोनस मिला, पेमेंट मिली, ओढ़नी से बांधी, एक महीना हो गया था ओम शांति का जाप करते। घर में गई और सामने खड़ा मिला कालों का काल, और उसने हाथ पकड़ा और कहा पैसे दे। ये कहती है ओम शांति, क्या बोल रही है? ओम शांति। देती है कि नहीं? ओम शांति। मारने के लिए उसने हाथ उठाया, कहती है ओम शांति, और उसका हाथ वहीं रुक गया और वो चला गया। इसने पहली बार दिए खरीदे, बाजार से चावल चीनी लाई, मीठे चावल बनाए, पेट भर के चावल खाए और चैन की नींद सोई। अगले दिन गई और साहब के पाँव में झुक गई। साहब ने कहा ये क्या कर रही हो? बोले साहब आपके कारण जिंदगी में पहली बार दिवाली मनाई, इस घर में पहली बार दिवाली मनाई। साहब ने पूछा कैसे? तो पूरी बात बताई, आपके ओम शांति मंत्र ने चमत्कार किया। मैं ओम शांति बोलती गई क्योंकि मुझे आदत पड़ गई थी, और मेरी ओम शांति में ऐसी ताकत कि वो लौट गया, उसने मुझे कुछ नहीं बोला। तो साहब ने कहा अच्छा ऐसा है, कल उसको मेरे पास ले आना। वो वकील थे भाई साहब, और अगले दिन उसे ले गई और साहब ने उसे डरा दिया, आज के बाद अगर इसे कुछ भी कहा तो अंदर करवा दूंगा। और उसके बाद वो व्यक्ति बदल गया। तो ये एक बार की बात नहीं है, आप जब खाली मन ओम शांति बोलिए, ओम शांति आपको मानसिक बल, आत्मिक बल, आध्यात्मिक बल, नैतिक बल, अनेक बल प्रदान करेगी। एक ठंडे पानी का गिलास पी लीजिए, गुस्से को स्थगित कर दीजिए, आज नहीं कल करेंगे, जैसे कई कामों को पोस्टपोन कर देते हैं, और अपने आप को खेलने में या अन्य किसी काम में बिजी कर लीजिए। मुझे एक बहन ने बताया कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं चादरें बहुत अच्छी धोती हूँ। भाई भी कई काम कर सकते हैं। एक भाई ने बताया कि जब मुझे गुस्सा आता है मैं बाजार से गन्ने ले आता हूँ और गन्ने खाने में अपने को व्यस्त कर देता हूँ। सारा गुस्सा किस पे उतरा? और किसी ने कहा कि मैं चने चबाना शुरू कर देता हूँ जब गुस्सा आता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम गुस्से को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है योगा अभ्यास, मेडिटेशन। क्योंकि जो काम जिस तरीके से किया जाता है उसी तरीके से उसे ख़त्म भी किया जाता है। मैं वहाँ तक गई कदम कदम चलते चलते, तो मैं लौटूंगी भी तो कदम कदम चलते चलते। मैंने एक धागा लपेटा ऐसे करते करते, अब उस धागे को मुझे खोलना है तो उसी तरीके से मुझे वापस लौटना पड़ेगा। मैंने क्रोध किया संकल्पों से, संकल्पों में नेगेटिविटी आई, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वो बहुत खराब है, बहुत खराब है। संकल्प चला चला के ही तो क्रोध किया ना, अब संकल्प चला चला के ही इसे फिनिश करना है। तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? शांति के संकल्प चलाते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये संकल्प बार बार करेंगे तो जैसे बार बार क्रोध का संकल्प किया तो क्रोध आ गया, बार बार शांति का संकल्प करेंगे तो शांति आ जाएगी। दिस इज द बेस्ट वे, परमानेंट वे, और ये हम कभी भी कर सकते हैं, आधी रात भी कर सकते हैं, दो मिनट कहीं भी मिले, ऑफिस में खाली टाइम मिला, घर में मिला, सफर में मिला, ये बेस्ट वे है। गन्ने हमेशा नहीं मिल सकते, चटने हमेशा नहीं धो सकते, पानी का गिलास भी हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकता, लेकिन ये थॉट प्रोसेस हमारे साथ सदा है। इसलिए अभी हम मेडिटेशन करेंगे, ये चार बातें और पढ़ के एक्ट करें, रिएक्ट ना करें। हम तो यहाँ इस रंगमंच पे एक्टिंग करने आए हैं, रिएक्टिंग करने थोड़े आए हैं। स्वमान में रहें, अपने मूल स्वभाव में टिके रहेंगे, क्षमा भाव धारण करें, बदला ना लें, अपने को बदलने का लक्ष्य रखें। मान लीजिए मेरे सामने पूर्व दिशा है और पीछे पश्चिम है, मैं जिंदगी भर कहती रहूं कि पश्चिम मेरे सामने आ जाए, पश्चिम मेरे सामने आ जाए, नॉट पॉसिबल, जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। पर मैंने जरा सी गर्दन घुमाई तो क्या हो गया? पश्चिम मेरे सामने आ गया। मैं घूमी तो दिशाएँ घूम गई। दिशाएँ घुमाने का तरीका है पहले मैं घूमूं, दुनिया को घुमाने का तरीका है मैं घूम जाऊं,
सामने वाले को बदलने का तरीका है, मैं बदल जाऊँ। ओम शांति।